ये ऐसा खेती है जो न सुखार से जाता है न दहार से जाता है। हमारे आसपास के खेतों में धान लगा हुआ था, सबका धान डूब गया, यहाँ पानी 2.5 फीट लगा था, धान सड़ गया और हमारा खस ज्यों का त्यों। फसल है जिस दुनिया का कोई जानवर नहीं खाता है, न सुखार से जाता है न दहार से जाता है। और ये देखिए सामने जो पॉपुलर का पेड़ लगा हुआ है, तो ये पॉपुलर का पेड़ लाइन से लगा हुआ है, 20 फीट की दूरी है और 10-10 फीट पर पेड़ है। लेबर का अभाव है, इसमें लेबर का कोई जरूरत नहीं है, ट्रैक्टर से 3 बार इधर से जोत लेते हैं, 2 बार इधर से जोत लेते हैं, मतलब पूरा टेक्निक सेट का करखला बने एकदम एक साल में तैयार होता है। लेकिन इसको 1.5 साल भी रखा जा सकता है, 2 साल भी रखा जा सकता है, खास सालों भर लगता है। लेकिन सबसे लगाने का अच्छा वक्त ये है, दिसंबर जन लगाएंगे तो साल भर में खोद लेंगे, साल भर में हमारा पैसा लौट जाएगा। इसका तेल जो है शोर से निकलता है, शोर को गर्म करके निकाला। अगले साल हम तेल 18,000 रुपया किलो बेचे थे, इस साल तेल अभी आज का रेट है 12,500 रुपया किलो बिक रहा है। लॉकडाउन से तेल का रेट घटा, तेल से इत्र बनता है, खस साबुन बनता है, खस शरबत बनता है। और जितना ही नौका लोग हैं जो पान पराग पान मसाला खाते हैं, सब में इसका तेल है, इसी का खुशबू है जो लोग चबाते चबाते अपना दांत तक चबा जाते। ये विदेशों में विदेश जाता है, कन्नौज जाता है, हमारा तेल बाराबंकी बिकता है, लखनऊ बिकता है, कानपुर बिकता है। नमस्कार, हम बने अमरजीत कुमार गिरी रहुआ देख रहा बानी भोजपुरिया झकोरा। जी हाँ, लगातार हमनी के प्रयास बा, भोजपुरिया झकोरा के टीम के प्रयास बा कि किसान लोग के नया नया आइडिया के बारे में बतावल जाओ, ताकि गेहूँ धान से आगे उठ के किसान रोजगार करस और अच्छा पैसा कमास। हमनी के पहुँचल बानी सन और हमारे टीम आज पहुँचल बा हमनी के दरौंदा विधानसभा क्षेत्र के हसनपुरा प्रखंड में बानी सन, और हमरा संगे चाचा बानी, वहाँ से तमाम बातचीत हुई। लेकिन बातचीत से पहले रुवा सबके बता दी कि हमरा पीछे है पेड़ बा, पॉपुलर के पेड़ बा, और 8 साल में ये पॉपुलर के पेड़ तैयार होला। और ये चाचा से पूछे हम कि कौ साल के पेड़ हो गई ली। और सामने है जौन रुआ ये मुझ के झूर जैसा लौकता, ये मुझ के झूर ना हो, ये बहुत महंगा खेती बा, ये हवे खस के खेती, और चाचा करे नहीं खस के खेती। और एक तेल रुआ सब के बता दी कि करीब 12,000 रुपया लीटर एक तेल बिकेला। जी हाँ, पिछला साल 18,000 रुपया लीटर बिकल बा, और ए साल 1 लीटर है जख तीन मुझुआ जैसा बा, इनमें से तेल निकलेला है, हेमे से ना एकर जारवा में से एकर जोर बा, एकर शोर होला, शोर में से तेल निकलेला, और 1 लीटर तेल के दाम बा पिछला साल 18,000 है और ये साल 12,000 बा। और चाचा करीब 11 साल से खेती करतनी खोस के ही ना, लेमन ग्रास हो गई, मेंथा हो गई पॉपुलर। और सबसे बड़ा बात रुआ सब के बता दी कि चाचा हमारा साथ में बानी, तमाम बात चाचा से हुई आज, वहाँ के डबल देखी कि पॉपुलर के पेड़ लगा दिल बानी, एक में खोस के खेती भी कर रहा बानी और गेहूँ भी रोक ले रही है यहीं में, तो गेहूँ काट ले बानी और खस हो गई बा, खस ही कौ साल के हमारा बुझाता है कि 2 साल के खस ही हो गई बा। अब ये कटाई मतलब कि ऊपर से ही काट दिया जाए, आ काट के आ एकर शोर निकलाई जेसीबी मशीन से, एकर शोर निकलाई और शोर चल जाए प्रोसेसिंग मशीन में, जहाँ से एकरा में से तेल निकालल जाए। और वो मशीन के पास भी चाचा लेके जाएँ हमरा के, और देखाएँ मशीन के बारे में, बताएँ कि कैसे का प्रोसेसिंग वाला, तेल कैसे निकलेला और कैसे तेल बिकला, तमाम बात चाचा से हुई हमारे संगे चाचा बानी। चाचा के नाम पड़ी मोहम्मद हामिद खान हमारे संगे बानी, और चाचा से तमाम बात। चाचा बताएँ हमरा के कि रउरा कितना साल से खेती करते हैं खस के? खस के खेती हम कर रहे हैं 2009 से। अच्छा, 2009 से खेती करते हैं खस? हाँ, सीमैप से हम ट्रेनिंग किए, मेंथा का, खस का, सेटोलेना का, पामारोजा का। सबसे अच्छा लगा हमको मेंथा का खेती और खस का खेती। क्यों अच्छा खेती है कि दुनिया का कोई भी जानवर पुदीना का एक पत्ता नहीं खाता है। और सामने ही देख रहे हैं, इधर के सामने जो देख रहे हैं, ये खस की खेती है। ये ऐसा खेती है जो न सुखार से जाता है न दहार से जाता है। हमारे आसपास के खेतों में धान लगा हुआ था, सबका धान डूब गया, यहाँ पानी 2.5 फीट लगा था, धान सड़ गया और हमारा खस ज्यों का त्यों रहा। यह ऐसा फसल है जिस दुनिया का कोई जानवर नहीं खाता है, न सुखार से जाता है न दहार से जाता है। और ये देखिए सामने जो पॉपुलर का पेड़ लगा हुआ है, तो ये पॉपुलर का पेड़ लाइन से लगा हुआ है, 20 फीट की दूरी है, 20 फीट की दूरी है और 10-10 फीट पर पेड़ है। लेबर का अभाव है, इसमें लेबर का कोई जरूरत नहीं है, ट्रैक्टर से 3 बार इधर से जोत लेते हैं, 2 बार इधर से जोत लेते हैं, मतलब पूरा टेक्निक सेट का करखला बने एकदम पूरा टेक्निक। जिसको सीखना है ट्रेनिंग हमारे पास आए सीखे,
खस के लगाने का यही सीजन है। और ये जो सामने खस लगा हुआ है इधर देखिए, तो इसमें हम गेहूं का खेती किए थे, तेहरी खेती, दोहरी नहीं तेहरी खेती, गेहूं लगा दिए आ गेहूं में खस लगा दिए सिंचाई करने से 3 रोज पहले, और उसके बाद सिंचाई कर दिए, तो गेहूं भी पट गया और खस भी पट गया, दोनों का सिंचाई हो गया। और एक दोबारा हम एक बार गेहूं का दोहरौनी पटाई कर दिए, गेहूं काट लिए और सिंचाई कर दिए। सामने आपका जो खस है ये तेहरी खेती है, पॉपुलर का पेड़ लगा हुआ है, गेहूं का खेती और उसमें खस का खेती, ऐसा खेती कोई नहीं है। अच्छा अच्छा, अगला सवाल बाकी खस के जोन खेती में कितना दिन में ये खस तैयार हो जाला? खस 1 साल में तैयार होता है, लेकिन इसको 1.5 साल भी रखा जा सकता है, 2 साल भी रखा जा सकता है, खस सालों भर लगता है। लेकिन सबसे लगाने का अच्छा वक्त ये है दिसंबर जनवरी फरवरी, इसमें हम लगाएंगे तो साल भर में खोद लेंगे, साल भर में हमारा पैसा लौट जाएगा। इसका तेल जो है सोर से निकलता है, सोर को गर्म करके निकाला जाता है। अगले साल हम तेल 18,000 रुपया किलो बेचते थे, इस साल तेल अभी आज का डेट है रेट है 12,500 रुपये किलो बिक रहा है। लॉकडाउन से तेल का रेट घटा हुआ है और फिर हो सकता है 16,000 पर चला जाए। अच्छा, इस तेल से क्या होता है? इस तेल से इत्र बनता है, खस साबुन बनता है, खस शरबत बनता है, और जितना ही नौका लोग हैं जो पान पराग पान मसाला खाते हैं सब में इसका तेल है, इसी का खुशबू है, जो लोग चबाते चबाते अपना दाँत तक चबा जाते हैं, इसी का खुशबू है, खस का खुशबू है। ये विदेशों में विदेश जाता है, कन्नौज जाता है, हमारा तेल बाराबंकी बिकता है, लखनऊ बिकता है, कानपुर बिकता है और कन्नौज में बिकता है। अच्छा चाचा, अगर केहू खस की खेती करे के चाहता है तो का प्रोसेस बा, ओकर बीज कैसे मिली, कहाँ से मिली, पैसा कितना लगी, लागत का बावे, कितना दिन तक ओकरा रुके के पड़ी वापस रिकवरी करे खातिर जो इन्वेस्टमेंट हुई खस के खेती में, पूरा हमरा के बताएं। खस के खेती में 1 एकड़ में अभी लगाने वक्त 20,000 से 22,000 रुपया लगेगा, और बीच में कोड़ाई करना है एक बार या हर से जुताई करना है, और सिंचाई 4 पानी कर देना है, 10,000 बीच में लगेगा। अब रहा अगले साल, अगले साल खुदाई में भी 1 एकड़ में 20,000 रुपया लगेगा, तो 20,000 रुपया लगेगा। इसमें सरकार का अनुदान भी है, सरकार 8,000 रुपया एकड़ अनुदान दे देती है, तो मिल गया किसान को, फायदा हुआ। और ये खेती जो है किसी भी ज़मीन पर किया जा सकता है, जहाँ 1 फीट पानी लगता है वहाँ भी, जहाँ ऊसर भूमि है वहाँ भी, जहाँ ऊंच भूमि है वहाँ भी, माने हर तरह के भूमि में इस खेती को कर सकते हैं। ये है हम, ये जो है हमारे साथ दिखाई दे रहे हैं, इनको हम अगले साल इनका खस का खेती करवाए हुए थे, 1 एकड़ खस ही कटवा दिए हैं और अपना खस कोड़वाने के लिए हमारे पास आए हैं, कल जेसीबी से इनका खस का खुदाई होगा। अच्छा, 1 एकड़ में कितना के तेल निकल जाए? 1 एकड़ में तेल 10 से 12 किलो निकलता है। 1 एकड़ में 10 से 12 किलो निकलता है जी, तो 12 किलो का 12 44 का ना हुआ, 1,44,000, 1,44,000 का हुआ। हम बता रहे हैं 50 से 60,000 खर्चा है, तो लाखों रुपया का आमदनी है। अगर किसान ढंग से करे, सिंचाई करे, एक बार कोड़ाई करे, तो लाखों का कमाई है। अच्छा अच्छा, अरोरा का वजह मनाता नहीं किसान नहीं खेप बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते, खस के खेती हो गई चाहे और भी जैसे कि लेमन ग्रास के रोबा खेती करे नहीं, मेंता के खेती रोबा करे नहीं, तो किसान बढ़ चढ़ के कहा नहीं के हिस्सा ले पाते, का वजह अरोरा का सोचता नहीं? वजह ये बा कि किसान के टटका चीज चाहिए, आज सुबह कोनो ऐसा फसल लगावे जे शाम के पैसा आ जा, वजह यह बा। आई में 1 साल इंतजार करे के बा, तो किसान गेहूं लगा रहल बा, 1 एकड़ में खूब अच्छा गेहूं हुई तो 10 से 12,000 रुपया फायदा हुई, आ खस में ना हुई तो 70 से 80,000 रुपया एक कट्ठा में ना, एक एकड़ में तो 10 से 12,000 रुपया एकड़ में 70 से 80,000 फायदा हुई खस में। अब फायदा हो रहल बा, एक चीज़ बताई कि हम 11 साल से कर रहल बानी, का हम बिहार सरकार से एग्रीमेंट कर ले बानी का कि हमरा घाटा लागत जाओ हम हर साल करते हैं, आज के डेट में हमारा 16 एकड़ खस लागल बा, कोई भी आके देख सकता रहे। 2012 में मुख्यमंत्री आई रहे, हो सकता फिर फरवरी में आके देख ले। आ ये खेती के बता बढ़ावे खातिर कलेक्टर साहब के भी रुझान भइल बा, ये खेती लगातार सिवान जिला में बढ़ जाए। अच्छा, सिवान जिला में बुझाता कि खेती बढ़ जाए। अच्छा मुख्यमंत्री जी, जब नीतीश कुमार जी 2012 में रुआ पास में आए रहने, तो का कहने रुआ से हमसे कहले रहनी कि किसान कान में कहनी
कि ऐसा कठिन काम बा जे किसान एकरा के बड़ा देर से समझी आ बात सत होके जा रहल बा। किसान के एगो भट भट बा कि कैसे कोड़ाई, तो जेसीबी से। बाप रे, जेसीबी से कोड़ाई बुझाता कि 5 लाख रुपया लग जाए कोड़ाई में। अच्छा तो कोड़ाई भट भट बा, तो ये से भड़कता, मशीन में तेल निकली 60 घंटा में। अरे भाई, मशीन वाला तेल निकाल दी, सरसों पेरे वाला ना सरसों पेर देता कि किसान जाके पेरेला, तो मशीन वाला तेल निकाल दी। जेसीबी वाला के 800 रुपया घंटा दिया था, अपने कुर्सी पर बैठा रही खोद देता, लेबर ओकर सोर काट देता, तेल निकल जाता। केवल एगो दिमागी भट भट बा जे फायदा वाला का काम ना करके किसान धान गेहूँ वाला करता, जे में जितना पूँजी लगाता उतने का होता, खुशहाल बा। जबकि सरकार कह रहा बिया कोटा 80% आदमी के मिलता, उसे ओकरा 16 से 18 दिन के भोजन चल जाता, लेकिन लगाई किसान धाने गेहूँ। सही बतावल जाओ कि सारा लो आलू 50 रुपया किलो बा, तो आलू के बीज महंगा रहा, तो हमारा यहाँ 50 बीघा में खेती होता रहा आलू के, सब लोग थोड़ा सरसों बो दिहल। हाँ पूछनी, काहे भाई का बात बा हो, अतबे मतलब बिया हो गल महंगा, सरसों बो देनिहा, तोड़ा बो देनिहा। अब बताई सब लोग तोड़े बो दे तो का हाल हो, संतुलन बनावे, संतुलन खराब हो जाता। तो ये खातिर सरसों के खेती, मसूर के खेती, चना के खेती, अरहर के खेती सब कल जाए, तब न संतुलन बना रही। अब धान गेहूँ होता, अब देखिए ना 1800 रुपया क्विंटल रहा है, अब 1400 रुपया गेहूँ हो गई, अब बेचला से नहीं खे बिचार। यह तो गेहूँ के दशा बा, आज सब लोग गेहूँ लगाई, खस तो बहुत लंबा बात हो गई। अच्छा, रउआ खस के खेती कैले बनी में सरकार के तरफ से अनुदान मिलल हुई? हाँ, हमारा तो लाखों लाख अनुदान मिला। एक आदमी पर 4 हेक्टेयर पर सरकार 45,000 रुपया अनुदान दे रहा है। एक किसान 4 हेक्टेयर का अनुदान ले सकता, तो हमारा तो हर साल अनुदान मिलला, हमारा हमारा लड़कों को मिलला, हमारा साथे सैकड़ों किसान जुड़ल बड़े उको मिलल बा। ऐसा नहीं खे कि खेती जीरो पर नहीं खे, ना हम जानतानी कि 2 एकड़ लागल बा जिला में, अपना जिला में, सिवान जिला में लागल, बहुत लागल बा। आप गोपालगंज में तेहू जैसा अधिक लागल बा, एक जगह 32 बीघा लागल बा, एक जगह 18 बीघा लागल बा। ऐसा ऐसा किसान बा जैसे हमारे 16 एकड़ लागल बा, जे चसक गई बा लगावता, आ बकिये लो तो हमनी के बुर्बक समझते बा कि लो मुझबो आता मुझबो आता। अच्छा, एक और सवाल बा रउआ से, एक और सवाल बा कि जैसे रउआ तो खैर हमने के जायमसन जहाँ यहाँ के चचा मशीन लगौले बानी, प्रोसेसिंग मशीन जहाँ से तेल बना के निकाली, वो मशीन लगौले बानी यहाँ के, का प्रोसेस बा? लेकिन केहू किसान भाई 1 एकड़ 2 एकड़ करे के चाहता, तो ओकरा मशीन भी लगावे के पड़ी तेल निकाले वाला? ना मशीन के कोनो जरूरत नहीं है। जिला में 8 गो मशीन बा, हमनी के लगे जौन बा जौन में 7 क्विंटल पड़ेला, एगो पाल सिंह बाड़े चैनपुर के, उनका लगे बड़का मशीन बा, एके बे 2 एकड़ के तेल निकाल देले। जिला में छोटका मशीन 7 गो बा, और उनका लगे बड़का मशीन बा। मशीन के कमी नहीं खे, किसान खेती जौन करता सैकड़ों एकड़ कैले बा, आखिर ओकर तेल कहीं निकलता ना, कहाँ कहियो रिपोर्ट आयल कि हमार खस सड़ गई, कोनो ना कोनो मशीन पे निकल जाता, ओके दिक्कत नहीं खे। कैसहूँ किसान के रुझान खेती के तरफ हो जाओ, तो ऐसा खेती कोनो नहीं खे, ऐसा खेती कोनो नहीं है, मतलब पूरा तरीका से फायदेमंद रहा, एकदम 100% हम गारंटी दे रहा बानी कि ना सुखार से जा रहा बा, ना दहार से जा रहा बा, उसर में भी हो रहा बा, 1.5 फीट पानी लागे वाला में हो रहा बा, हर तरह के भूमि में होता, घाटा के कहियो सवाले नहीं, कबो घाटा ना हुई। आ करोड़ों रुपया के तेल हुई ना, तो एक दिन में बिका जाए, इतना एकर मांग बा, ग्राहक खोजे के नहीं, ना ग्राहक खोजे के नहीं, बस इतने कष्ट करे बाकी 12 बंकी लेके चल जाए के बा। एको क्विंटल तेल हुई, तेल तौल के तुरंत पैसा मिल जाला, इन अकेर हुआ जाए काश डाले खाता में परसों डाले, एकदम ना वो दिने पैसा डाला जाला, आना तो नगद कैश मिल जाला, तेल दी पैसा ले। हाँ, तेल दी या पैसा ले। देख सकता नहीं चाचा बानी मोहम्मद हामिद खान हमरा संग रही है, और यहाँ के अभी हमने के जैमसन मशीन के पास में जावना मशीन से तेल निकलाला। जी हाँ, और देखी बुझाता नहीं कि है मुझ हवे झूर हो, देखी मुझ बुझाता है कि है पतहर हो मुझ हो, लेकिन ये खस के पेड़ है और एकरे शोर से तेल निकलेला। और पिछला साल 18,000, फिर से हम बता दी दोबारा कि 18,000 किलो पर बिकल बा, और ये साल बिकल बा 12,000 किलो पर। खस के खेती देखी पूरा कितना कितना एकड़ बा,
तीन एकड़ में। अभी जहाँ हमने के बानी सन पूरा तीन एकड़ में खेती बा, पूरा हम चाहे कैमरामैन से दिखाओ खातिर कि खस के खेती बा, हम चाहे अंदर आके दिखाओ खातिर देखी हई। और झूर जौन बा कि बहुत मोटा मोटा झूर बा, मतलब कि 2 साल के हो गए भाई, खस जौन बा 2 साल के हो गए, बुझाता कि मूझ है पतहर है लेकिन ये मूझ ना है, ध्यान से सुनी रहुआ, ये हवे खस। और एकर तेल बा 12,000-12,500 लीटर, अभी पिछला साल बिकाइल बा 18,000। चाचा बताओ तनी कि ना दहार से जाई ना सुखाड़ से जाई, और कोनो भूमि में हो जाए, चाहे वो 3 फीट पानी लागल होके, चाहे ऊंचास पर होके, खलार में होके, कोनो जमीन पर हो जाए, और हम पहली बार ई खस के खेती देखले बानी, और पहली बार है पॉपुलर के पेड़ देखले बानी, और पहली बार देखनी ऐसा टेक्निक में पॉपुलरों के पेड़ बा, खस के भी खेती होता और चाचा गेहूँ भी काट लेले बानी में। तो ये जौन बा बिल्कुल एगो टेक्निक से यहाँ के कर रहा बानी। और चाचा ये भी बात बताओ तनी कि अगर केहू जाने के चाहता खस के खेती के बारे में, मेंथा के खेती के बारे में, लेमन ग्रास खेती के बारे में, आ चाहे पॉपुलर पेड़ के बारे में, तो चाचा से संपर्क कर सकता। चाचा के नंबर हम कोशिश करें वहाँ के परमिशन लेके, वहाँ से परमिशन लेके कोशिश करें कि वहाँ का नंबर हम डिस्प्ले पर डाल दी, ताकि रउआ अगर खस के खेती करे के चाहता नहीं लेमन ग्रास के, मेंथा के, चाचा ऑलरेडी ट्रेनिंग ले चुकल बानी और 2009 से लगातार चाचा लागल बानी खस के खेती कर रहा बानी, और मेंथा के भी, लेमन ग्रास के भी। सबसे बड़ा बात ये बा कि 2012 में उस समय के मुख्यमंत्री और आज के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आई रनी एजी चाचा से भेंट करनी, और ये खस के खेती मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी खुद देख के गईनी, और चाचा जैसे बतौनी हो कि वहाँ के कान में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कहनी कि किसान बहुत देर से समझी, और सही बात बा कि किसान समझत नहीं खे। यही से जौन बाकी हमनी के हमरा खातिर तो खास करके काफ़ी नया बावे, बुझाता कि अथी हवे झूर हवे, मूझ के झूर है, हमरा बुझाता कि मूझ के झूर है, लेकिन जब पूरा प्रोसेसिंग मशीन पर हम गनी है, सब कुछ देखनी है, तब पता चलता कि ना वाकई में ये बहुत बढ़िया खेती बा, और किसान ये खेती के कह के आगे जा सकता रहन, और अच्छा फायदा, अच्छा मुनाफा खस के खेती से कमा सकता रहे। अभी हमने चलता नहीं सन वो मशीन के पास में, जौना मशीन से तेल निकला रहा, और का प्रोसेसिंग बा चाचा एक्सप्लेन करें, बताएं वो मशीन के बारे में। अब हमनी के रुबा सवे के लेके चलता नहीं वो मशीन के पास में, चले के वो मशीन के पास।